तो आप सभी भक्तों का कृष्ण नित्यम भागवत सेवा प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवत की तृतीय स्कंद में। ये तृतीय स्कंद जिसमें बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग है माता देवहूति और कर्दम जी का, बहुत बढ़िया उपदेश है इसमें। और माता देवहूति को भगवान कपिल ने भी इसमें उपदेश दिया है। इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण जो है स्कंद है। और इस 23वें अध्याय में जो दूसरा श्लोक है, इसके पहले के श्लोक में ये विदुर जी और मैत्रेय जी का ये वार्तालाप चल रहा है। विदुर जी मैत्रेय जी से पूछते हैं, मैत्रेय जी विदुर जी को उपदेश करते हैं। बहुत सुंदर संवाद है। तो इसमें बताया जा रहा है कि एक पत्नी को पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और पति को भी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो बहुत आवश्यक है। जैसा कि प्रभुपाद महाराज ने इस श्लोक के तात्पर्य में बताया कि पति जो होता है शारीरिक संरचना के अनुसार वो अपने आप को पत्नी से श्रेष्ठ समझता है, इसलिए उसके अंदर थोड़ा सा ये भाव रहता है कि पत्नी उसे हमेशा सम्मान दे, किंतु पति का भी कर्तव्य है कि वो पत्नी को सम्मान दे। तो माता देवहूति कौन है, इसके विषय में आप लोग पहले अध्ययन कर चुके हैं स्कंद के 21वें 22वें अध्याय में, जहां ब्रह्मा जी ने जब कर्दम मुनि को आदेश दिया कि आप सृष्टि की रचना में हमारा सहयोग करें, तो कर्दम मुनि ने 10,000 वर्ष तक घोर तप किया, सरस्वती नदी के तट पर घोर तप किया, और उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। गरुण पर सवार होकर के वो वहां उपस्थित हुए। गरुण के कंधे पर पैर रखे हैं भगवान और खड़े हैं, और कर्दम मुनि की तपस्या को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, आप वर मांगिए। कर्दम मुनि ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे अनुरूप एक कन्या चाहिए, इसके साथ विवाह करके मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा, आपकी जो मनोदशा है, आपके जो विचार हैं, हमको पहले से पता है, इसलिए विश्व सम्राट सप्तद्वीपों में जिसका शासन महाराज मनु की पुत्री देवहूति, वो आपके लिए सर्वथा योग्य है। और वो परसों आपकी कुटिया पर आएंगे प्रस्ताव लेकर के, और आप उसे अस्वीकार मत करना। हम संक्षेप में ही परिचय दे रहे हैं इसका। भगवान जब वहां प्रकट हुए, कर्दम जी के तपस्या के ऊपर इतना प्रसन्न हुए, द्रवित हुए, उनके नेत्रों से वहां अश्रु के बूंद गिरे, जिससे वो बिंदु सरोवर नाम का सरोवर वहां पर प्रकट हुआ। बिंदु सरोवर पर ही कर्दम जी तप कर रहे थे। तो विश्व सम्राट महाराज मनु पूरे भूमंडल पर स्वर्ण से जटित रथ पर बैठ करके अपनी पत्नी शत्रुपा और पुत्री देवहूति को लेकर के घूमते घूमते कर्दम जी के आश्रम पर पहुंचे। रथ के पहियों की गड़गड़ाहट सुन करके कर्दम मुनि समझ गए कोई विशिष्ट व्यक्ति आया।
रथ से उतरे, कर्दम मुनि को उन्होंने प्रणाम किया, कर्दम मुनि ने उनको आसन दिया, बड़े सत्कार सम्मान के साथ बैठाया और कर्दम मुनि ने उनसे पूछा कि साधु की कुटिया पर आने का कोई विशेष प्रयोजन होगा, आप कृपा करके हमें बताइए और मैं आपकी इच्छा को पूरी करूंगा। महाराज मनु ने उनकी बड़ी प्रशंसा की और कहा, ये मेरी पुत्री है देवहूति जो आपके समक्ष है, नारद जी से आपके विषय में इसने सुना था और आपको पति के रूप में पाने की इसके अंदर लालसा है और ये आपके सर्वथा योग्य है। मैंने सुना है कि आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते हो, यदि आप इसे स्वीकार करेंगे तो हमारे ऊपर आपकी बड़ी कृपा हो। कर्दम जी तो पहले से ही चाहते थे, पहले से ही उन्हें पता था देवहूति के विषय में। कर्दम जी ने देवहूति की प्रशंसा में कहा, आपकी पुत्री इतनी सुंदर है और सुयोग्य है, इसके सौंदर्य को देख करके ऐसा कहा जाता है कि विश्वावसु नाम का गंधर्व विमान से जा रहा था और देवहूति छत के ऊपर गेंद खेल रही थी और उसके पैरों में जो घोरू बधे हुए थे पायल के, उसकी आवाज सुन करके विश्वावसु गंधर्व नीचे देखा, सौंदर्य पर इतना मुग्ध हो गया कि उपमान से नीचे गिर गए, ऐसा कहा जाता। सर्वांग सुंदरी, विश्व सुंदरी एक तरह से कहिए तो विश्व में देवहूति की तरह कोई सुंदर नहीं था। अगर किसी ने लक्ष्मी जी की सेवा की होगी तो उसे पता होगा कि देवहूति कितनी सुंदर है। कल्पना करिए, कर्दम जी देवहूति की तुलना करते हैं लक्ष्मी जी से, लक्ष्मी जी की तरह सुंदर। मैं स्वीकार करूंगा आपकी पुत्री को, किंतु मेरी भी एक शर्त हो। कर्दम जी एक तो घास फूस की कुटिया में रहते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम में थे, गृहस्थ आश्रम में आने के लिए उनके पास अभी बहुत कुछ वस्तुओं की जरूरत होगी। तो कर्दम जी ने अपना प्रस्ताव रखा कि जैसे ही आपकी पुत्री गर्भवती होगी मैं फिर से भगवान के साधना में लग जाऊं। और ये बात भगवान विष्णु जब प्रकट हुए थे कर्दम जी को बोल दिए थे उसी समय कि आप और देवहूति के शरीर से नौ कन्याएं पैदा होंगी। जो जिनका विवाह होगा नव योगेंद्रों से और मैं स्वयं दसवें स्थान पर पुत्र के रूप में आपके यहां प्रकट होऊंगा और सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन करूंगा। इस प्रकार से भगवान ने कर्दम मुनि को आश्वस्त किया था। कर्दम मुनि को ये सारी चीजें स्मरण थी, उन्होंने कहा आपकी पुत्री गर्भवती होगी तो मैं वापस भगवान की साधना में लग जाऊंगा। यह प्रस्ताव देवहूति को मंजूर हुआ, स्वीकार किया। तो इस अवस्था में कर्दम जी को सम्राट मनु अपनी पुत्री को समर्पित कर दिए, विवाह कर दिए। विवाह करने के बाद उन्होंने बहुत दहेज दिया। तो दहेज प्रथा कोई आज नहीं है, दहेज प्रथा बहुत पुरानी है, मनु महाराज के समय से चली आ रही है। क्योंकि कर्दम मुनि एक विरक्त व्यक्ति थे, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते थे, उनके पास गृहस्थी चलाने के लिए कोई वस्तु नहीं थी। महाराज मनु ने एक गृहस्थ को जो भी वस्तुएं चाहिए सब कुछ दहेज में दिया, उन्होंने गृहस्थ बना दिया उनको। माता देवहूति पिता और माता के चले जाने के बाद अब कर्दम जी की सेवा में लग गए।
कर्दम जी की सेवा बड़े मनोयोग से अपने इंद्रियों को बस में करके मधुर भाषी होकर के उन्होंने उनकी सेवा की। प्रभुपाद महाराज यहाँ बताते हैं कभी कभी पत्नी अत्यंत संपन्न परिवार की होती है, जैसे कि अब आप कल्पना करिए सप्तद्वीप में महाराज मनु का शासन था और देवहूति ऐसे सम्राट की पुत्री थी, किंतु उनके अंदर अपने पिता के वैभव का किसी प्रकार का अहंकार नहीं था कि मैं इतने बड़े राजा की पुत्री हूँ, इसलिए मैं अपने पति के ऊपर जैसा चाहूंगी वैसा हुक्म चलाऊंगी, ऐसी कोई उनकी इच्छा नहीं थी। किंतु गोपाल महाराज कहते हैं ऐसा करना वर्जित है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे अपने पति के प्रति विनम्र होना चाहिए और समस्त प्रकार के मिथ्या घमंड को त्याग देना चाहिए। जैसा कि अक्सर इस युग में देखा जाता है संपन्न परिवार की बेटियां जब दूसरे घर में जाती हैं तो अपने पैतृक संपन्नता को देख करके अपने पति के ऊपर हुक्म चलाती हैं, तिरस्कार करती हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए, इससे उनका गृहस्थ जीवन जो है वो चौपट हो जाता है। यूं ही पत्नी को अपने मायके पर गर्व होने लगता है, क्यों ही इससे पति पत्नी के बीच मन मुटाव हो जाता है, जैसा कि आजकल देखा जाता है। पिता के यहाँ वो कैसे रहती थी, क्या सुख सुविधा उसको मिलती थी, पति के घर आने के बाद उसे वो सब भूल जाना चाहिए, पति के घर में उसे जो भी सुख सुविधा संभव है उसी में उसे अपना जीवन यापन करते हुए और पति को समर्पित होकर पति की सेवा करनी चाहिए और भगवान कृष्ण की भक्ति में लगना चाहिए। भगवान कृष्ण की सेवा और पति की सेवा, ये दोनों ही उसके मन में ऐसा भाव होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है एक पत्नी के लिए पति परमेश्वर होगा, परमेश्वर के स्वरूप होता है, पति परमेश्वर है। मानस में भी कहा गया है एक ही धर्म एक व्रत नीमा काय वचन मौन पति पद प्रेमा। मानस में भी कहा गया है स्त्री के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, मन से शरीर से वाणी से उसे पति की सेवा करनी चाहिए। यदि पति उससे प्रसन्न है तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। जैसे पूर्वाष्टक में आप कहते हैं यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, यस्य प्रसादान गति कुतो, भगवान की प्रसन्नता गुरु की प्रसन्नता से, गुरु प्रसन्न हो तो भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही स्त्री के लिए यदि पति प्रसन्न है तो भगवान को प्रसन्न होने में देर नहीं लगती है। पति और पत्नी दोनों मिल करके भगवान की सेवा करते हैं जिस घर में, वह घर स्वर्ग के समान हो जाता है और भगवत प्राप्ति का मार्ग जो है वो सामने जो है वो प्रशस्त हो जाता है। ऐसे गृहस्थ जीवन को बिताना चाहिए, यही शास्त्र का मत है। प्रभुपाद महाराज बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किए है, चाणक्य पंडित ने घर के चार शत्रु बताए, क्या क्या शत्रु है, यदि पिता ऋणी हो तो वह शत्रु है और यदि माता अपने वयस्क संतान के होते हुए दूसरा पति चुन ले तो वह शत्रु है, यदि पत्नी अपने पति के साथ अभद्र व्यवहार करे तो वह शत्रु है और यदि पुत्र मूर्ख हो तो वह भी शत्रु है। पारिवारिक जीवन की संपत्ति पिता माता पत्नी तथा संतान है, पिता माता पत्नी और संतान से मिल करके परिवार की संपत्ति होते हैं और परिवार में इन सबका दायित्व है कि वो भगवान की सेवा करें, भगवान के चरणों में आश्रय लें और
नित्य भगवान की सेवा करते हुए आवागमन के चक्र से अपने आप को मुक्त करने का मार्ग जो है वो अपनाए। पति बनने का किसी को तब तक अधिकार नहीं है यदि वो अपनी पत्नी को भगवान का भक्त नहीं बनाए। जैसे कि ऋषभ भगवान ऋषभ ने अपने 100 पुत्रों को उपदेश दिया, पिता न सत्यात, जननी न सत्यात, गुरु न सत्यात, स्वजनों न सत्यात, किसी को पिता बनने का माता बनने का कोई अधिकार नहीं है यदि वो अपनी संतान को भगवान का भक्त नहीं बनाता। गुरु बनने का किसी को कोई अधिकार नहीं है यदि वो अपने शिष्य को भगवत धाम जाने का मार्ग नहीं दिखाता है। इस प्रकार एक पिता का दायित्व तो होता है कि वो अपने पुत्र को भगवान का भक्त बुलाए, अपनी पत्नी को भगवान की भक्ति में लगाए। भगवान की भक्ति करते हुए पति पत्नी एक आदर्श गृहस्थ की भांत जीवन यापन कर सकते हैं और उसके उस परिवार में आने वाली जो संतानें होंगी उस भावना भावित होंगी। जैसा कि भगवान गीता में कहते हैं, अब अर्जुन ने जब पूछा भगवान से, ये बताइए अगर किसी ने कुछ समय तक आपकी भक्ति किया और किसी कारण से विचलित तो हो गया, सिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ, तो उसकी स्थिति क्या होती है? भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जितना किया है वो उसके फलस्वरूप वो उच्च लोकों में जाता है, स्वर्ग में जाता है। उस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग लोकों में जाकर के वो सुख भोगता है और जब पुण्य छीण होता है तो छीणे पुण्य मृतलोक के विसंति इस मृतलोक में वापस आता है और इस मृतलोक में जब वापस आता है तो उसका जन्म कहाँ होता है? सुचि नाम श्रीमतांगे ही योग वृक्ष को जाए थे, पवित्र ब्राह्मण कुल में होता है या तो फिर धनवानों के यहाँ होता है। पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म होता है तो वो वेद अध्ययन करने में पिता उसको लगा देते और सुचि नाम श्रीमताम धनवानों के घर में जो पुत्र पैदा होता है उसको वही पढ़ाई लिखाई कराते, वही विद्या पढ़ाते हैं जिससे वो और धन कमा सके। ये दोनों ही उतने उत्तम नहीं है जितना अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, अथवा योगी नाम अभी कुले भवति धीमताम, या तो किसी योगी के घर में जन्म होता है। आज के युग में यदि किसी भक्त के घर में कोई संतान पैदा होती है तो ये सर्वश्रेष्ठ अवसर उसे मिलता है कि वो भगवान की भक्ति में लग जाता है, जन्म लेता है और जब पहला शब्द वो बोलता है तो भगवान का नाम ले लेता है, जन्म से उसे भगवान की भक्ति मिलती है। ऐसे बहुत भक्तों के परिवार हैं जहां जन्म से ही भगवान के भक्त भक्ति में लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भक्त के यहाँ जन्म लेना जो है ये संसार में दुर्लभ है। अथवा योगी नामक कुले भवति धीमताम, एतद्ही दुर्लभम लोके, बहुत दुर्लभ है इस लोक में ऐसा जन्म कि किसी भक्त के यहाँ जन्म हो। तो जिन भक्तों के घर में पुत्र पुत्री इत्यादि पैदा होते हैं आजकल, उनको ये समझ लेना चाहिए कि इसने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, भगवान की भक्ति की है, साधना की है, सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, इसलिए उसका जन्म हमारे इस कुल में हुआ है ताकि फिर से उसे भगवान की भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो सके। किसी भक्त के घर में जन्म लेने का यही एक लाभ है। तो माता देवहूति जिस मनोयोग से, जिस आत्मीयता से, जिस गौरव से अपने पति कर्दम मुनि की सेवा कर रही थी, इतनी तल्लीनता के साथ, उन्हें अपने शरीर की भी शुद्ध बुद्धि नहीं रह गई थी। आगे आप पढ़ेंगे, एक स्थिति ऐसी आती है कि माता देवहूति जर्जर हो जाती है, शरीर कृश हो जाता है, बाल उनके जो केश हैं लटे पड़ जाती है, एकदम पहचान नहीं सकते, ऐसी स्थिति हो जाती है। पति की सेवा में इतनी तल्लीनता से सेवा करती हैं, अपने आप को भूल जाती हैं, सब कुछ भूल करके पति की सेवा में इस प्रकार सेवा करने से
पति प्रसन्न हो जाता है, पति प्रसन्न हो गए तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्ण।